मूसामुड़ी में किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल जारी। किसान नेता योगेंद्र यादव की अगुवाई में जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय किसान नेता योगेंद्र यादव का सोमवार को सीधी जिले के विथिका भवन में आगमन हुआ, जहां उन्होंने टोक रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी के साथ आंदोलन में भाग लिया। बता दें कि लगातार 29 दिनों से सीधी जिले के ग्राम मूसामुड़ी में किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसका टोक रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा ने शुरू से ही समर्थन किया है और उन्हीं की अगुवाई में ये आंदोलन हो रहा है। आज योगेंद्र यादव की अगुवाई में किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।